Hey guys, how are you? Let's go to see a new mall, Chase Value Amazon Mall. Yes guys, ये है Amazon Mall. अगर आपको इसकी location का नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा इसका explain कर देती हूँ कि ये कहाँ पे है. अगर तो आप जा रहे हैं सदर की साइड से, रावलपिंडी सदर की साइड से अगर आप जा रहे हैं तो आप क्रॉस करेंगे अलशफा आई ट्रस्ट एंड उसके सामने फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल. जब आप इसको क्रॉस करेंगे उसके बाद आएगा सुवा पुल को आपको क्रॉस करना है. उसके बाद आपको गीगा मॉल से पहले पहले ये मॉल मिल जाएगा और ये एक नया मॉल है और मेरे ख़्याल में ये बहुत ही अच्छा मॉल खुला है. यहाँ पे हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं. मैंने बड़ा ही इन्जॉय किया यहाँ के और चीज़ें जो है ना वो अपनी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही हैं. बहुत मैं जैसा कि अक्सर देखा गया कि मॉल्स में चीज़ें आम बाज़ार की निस्बत महंगी होती हैं, लेकिन इस मॉल में मैंने देखा है कि चीज़ें जैसे आम बाज़ार में लोकल आइटम्स मिलते हैं वैसे ही यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल रही है और इसमें काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें भी हैं और वेल अरेंज्ड है. ये लेडीज़ सेक्शन में सिर्फ लेडीज़ चीज़ें हैं, किड्स सेक्शन में किड्स की चीज़ें हैं और जेंट्स सेक्शन में सिर्फ जेंट्स की चीज़ें हैं. बहुत वेल अरेंज्ड है और ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ इधर अवेलेबल है. ये देखें, ये जूते हैं, चप्पल हैं यहाँ पे और शूज़ हैं, बूट हैं, जॉगर्स हैं. बहुत तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेगी. कोई ऐसी चीज़ नथिंग इज़ लाइक दैट विच इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस मॉल. तो आपका भी जब यहाँ से गुज़र हो तो आप भी यहाँ आएँ और देखें कि कितना अच्छा मॉल खुला है ना. तो वैसे हम लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए तो नहीं आए हैं, एक्चुअली हम लोग ये देखने आए हैं कि जो भी आपको पता है कोई भी नई ओपनिंग होती है तो हर किसी का दिल चाहता है कि देख के आएँ कि वहाँ पर क्या है. तो कुछ चीज़ें देख रहे हैं, हो सकता है कुछ बाय भी कर लें, लेकिन एक्चुअली हम तो निकले थे कि कोई नई अगर ओपनिंग होती है किसी होटल की या किसी पार्क की या किसी मॉल की तो दिल चाहता है कि जाएं और उसमें एक बार कम से कम जब न्यू ओपनिंग हो तो देखना ही चाहिए कि कैसा है, ताकि अगर आपने दोबारा आना है तो आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ कैसी है. तो हम भी इसी नियत से घर से निकले थे कि चलें थोड़ी एक तो आउटिंग हो जाएगी, दूसरा खाना वाना खाना था बाहर इसलिए भी. तो हमने सोचा चलें आज इस मॉल का डिसाइड करते हैं कि इसका विज़िट कर लेते हैं. तो हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं इधर. स्टिच्ड ड्रेसेस भी हैं, अनस्टिच्ड भी हैं, बेडशीट्स भी हैं, जैकेट्स, गर्मियों की चीज़ें, सर्दियों की चीज़ें, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. तो मेकअप के आइटम्स भी बहुत हैं, पर्सेस हैं, जीन्स हैं और ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं. मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ. ये देखें, ये जीन्स हैं, जीन्स के डिज़ाइंस हैं. इसके साथ ही ट्राउज़र भी हैं, स्कर्ट्स भी हैं इसी लाइन में और काफ़ी अकॉर्डिंग टू द फैशन यहाँ पे क्लोथ्स अवेलेबल हैं. और देखते जाएं आप, मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ और जहाँ पे नहीं ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताना बंद कर दूँगी, खामोश हो जाऊँगी, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे मैं बोलूँगी साथ साथ. ये देखें, हर चीज़ है, परफ्यूम्स है, स्टेशनरी है, बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, सभी चीज़ें हैं तकरीबन. फर्नीचर भी है छोटा मोटा जो है ना, वो भी चीज़ें हैं. मास्क हैं, N95 मास्क हैं, ऑर्डनरी मास्क हैं, मेकअप के आइटम्स हैं, ज्वेलरी है. और अब मैं आ गई हूँ जैकेट सेक्शन में, क्योंकि जैकेट से मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट होता है जैकेट्स तरह तरह की देखने में और लेने में. तो इसलिए ये मेरा फेवरेट जो है साइड है जिस पर मैं अभी आई हूँ. तो अगर मैं जैकेट ना भी लूँ तो देख के मुझे खुशी होती है, इसलिए मैं हमेशा जैकेट्स जहाँ लगी हूँ वहाँ ज़रूर जाती हूँ और देखती हूँ. तो ये अभी हम देख रहे हैं कि कौन सी जैकेट कैसी है और अगर कोई अच्छी लगी तो हम लोग बाय भी कर लेंगे. तो काफ़ी सारी जैकेट्स हैं और जैकेट्स की प्राइस यहाँ पर बहुत अच्छी है. जैकेट्स महंगी नहीं है यहाँ पर, 1000 से ये शुरू हुई हैं, 2000 की भी है, 2500, 3000.
इससे ऊपर की कोई भी नहीं है। और हर लाइन में डिफरेंट प्राइसेस की लगी हुई हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी कलर की और कौन से साइज़ की मिलेगी। जो नहीं, अब ये देखें, ये मैंने ट्राई की है, ऑलमोस्ट साइज़ ठीक ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कोई और भी देख लूँ। सब जैकेट्स एक से बढ़ के एक है, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है जैकेट्स के यहाँ पे। ये भी तो ब्लैकिश है, ब्लैक तो है ना मेरे पास, ब्लैक ही नहीं है, जीन्स, ये थोड़े जीन्स टाइप में, हाँ लेकिन ब्लू है ये, ब्लैक है, ब्लू है ना थोड़ा डल। इसके बाद हम जनाब गए हैं ऊपर, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि कुछ खाना है, तो हम गए हैं थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पे फूड कोर्ट है ये, और फूड कोर्ट में अभी तक कुछ भी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि नया मॉल मैंने आपको कहा है इसकी ओपनिंग सून का बोर्ड लगा हुआ है, अभी तक ओपन नहीं हुआ, इसलिए हम वापस नीचे आ गए हैं दोबारा से। तो अब हमने सोचा है कि इस मॉल से निकल के, इसके बाद गीगा मॉल भी है, और इसके साथ ही काफ़ी अच्छी जगह और भी हैं जहाँ पे खाना खाया जा सकता है। बैरिया फेज 8 भी इसके बहुत ही नज़दीक है, अपोजिट साइड पे ही है, तो इसलिए यहाँ तो हमें खाने का कुछ नहीं मिला। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से जल्दी जल्दी शॉपिंग ख़त्म करके निकलें, पेमेंट करें और निकलें। तो अभी हम वापस दोबारा जब नीचे आए हैं, तो अब हम पर्सेस की तरफ आए हैं, कुछ पर्स देख रहे हैं। ये देखें, ये ब्रांडेड पर्सेस हैं, पर्सेस की कीमतें भी अच्छी हैं, नॉर्मल प्राइसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। ये देखें 1000 का ये पर्स है, 995 का, और भी हैं, इससे सस्ते भी हैं। ये सब पर्सेस और रेडीमेड क्लॉथ्स हैं, इस साइड पे ड्रेसेस हैं, ये देखें काफ़ी इसकी कम प्राइस है, 395। पर्स हमने लेना तो नहीं है, हम जस्ट वैसे ही देख रहे हैं कि क्या प्राइसेस हैं और क्या क्वालिटी है यहाँ की, अच्छे हैं और सस्ते हैं। तो अभी हम पेमेंट साइट पे आए हैं, कैश पॉइंट पे, तो अभी हम इधर पेमेंट करेंगे और उसके बाद हमारी शॉपिंग कंप्लीट। हम अभी जा रहे हैं, अभी हमने दो जैकेट्स बाई की हैं, कुछ ज्वेलरी बैंगल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाई की है, तो अब हम पेमेंट करके तो यहाँ से निकलेंगे, किसी और जगह जाएंगे तो हम खाना खा सकें। तो गाइज़ देखें, मैंने आपको जो नया मॉल दिखाया है, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप विज़िट करना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।